है गाइस वेलकम है वन कैसे हैं आप सब बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ बीच में अपने थोड़ा सा गैप आ गया था रीज़न आप समझ पाए समझ रीज़न आपको पता ही है कि स्टूडियो जो है वो सेटअप हो रहा था तो उस केस के अंदर जो है वो हमें थोड़ा सा बीच में गैप लेना पड़ा और अब पूरी तरीके से स्टूडियो जो है तैयार है तो अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर देते थे वापस और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि सर आप ये जो है छोटे छोटे टॉपिक जो है वो क्यों ले रहे हैं पहले तो देखिए पहले मैं इसका आपको रीज़न बता देता हूँ बहुत ही आराम से समझिएगा इसको मेन रीज़न इसका क्या है कि भाई ये जो छोटे टॉपिक है ना ये जितनी हेडेक क्रिएट करते हैं ना इतने उसमें कुछ बातें हैं नहीं जैसे ये कम से कम पंद्रह बीस ऐसे टॉपिक है जिनके नाम लिख रखे और उनमें एक एक लाइन है जो समझने लायक है बाकी बिल्कुल भी इनके अंदर कोई खास बात है नहीं ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इनको लिखा इतना पोर्शन गया है कि आप लास्ट टाइम में डरोगे डर लगेगा कि यार अपना तो बहुत सारा पोर्शन जो है वो बाकी है तो इस वजह से इनको शुरुआत के अंदर ही जो है अपन निपटा देंगे इनमें एक्चुअल में मैं जो बता रहा हूँ उसके बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं बन सकता या नहीं बनता है क्योंकि अकाउंटिंग फॉर सोलिसिटर के अंदर अकाउंटिंग वही होगी जो नॉर्मली अकाउंटिंग होती है कोई भी उसके अंदर अपडेट या कोई भी तरीके का चेंज नहीं होगा सिर्फ ये है कि उसमें कैश अकाउंट जो है उसके अंदर दो कॉलम बनाते हैं तो ये अपने को यही चीज ध्यान रखनी है बाकी अनर्ड प्रीपेड अक्रूड आउटस्टैंडिंग वगैरह जो नॉर्मल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है ना वो सारे के सारे जो है वो लगेंगे तो उनके अंदर कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का चेंज है नहीं और मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बता दूं तो देखो कितना सारा पोर्शन जो है वो आपका इसमें से जो है वो ये है जैसे आपका पहला जो टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला जो सब्जेक्ट है इसके अंदर देखिए इसके अंदर ये जो है ये सारे छोटे टॉपिक है जिनको अपन शुरुआत के अंदर कवर करेंगे कलर चेंज कर देता हूं ये प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है वो एज अकाउंटिंग ये एक छोटा सा टॉपिक है उसके बाद में बाकी तो ये पढ़े जाते हैं आपके उसके बाद में अगर देखें हम तो इसमें देखो कॉरपोरेट अकाउंटिंग में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक लिख रखे हैं जो कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज और चिंता करने चिंता पैदा करने के लिए आपके लिखे गए हैं मैं आपको शायद बीच में ना आ जाऊँ कब तक आएगी वैकेंसी देखो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अंदर है, 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 फैक्टर पे जो वो डिपेंडेंट रहता है सरकार जो है वो इस ये सरकार खत्म होने से पहले चाहेगी कि उसकी जो वैकेंसी वो कम्पलीट करके जाए एक पोस्ट के लिए जो है वो कम्प्लीट करके जाए तो सरकार जो है इसका टेंडर खत्म होने को है तो उससे पहले ये कंप्लीट करेगी बाकी डेट जो है वो एडजेक्ट बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है डबल अकाउंट अकाउंट सिस्टम, फॉर पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज वगैरह जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है उसके बाद में ये मर्जर और एक्विजिशन उसी का अकाउंट फॉर एग्रीकल्चर ये फॉर्म्स नहीं है ये फार्म्स लिखना था लेकिन Hospital, अब पूरे में एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑडिट और अकाउंटिंग तीनों का मिक्स जो है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग भाई अपने को जैसे कोई घोटाला हो गया उसमें अकाउंटिंग इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो हम फोरेंसिक अकाउंटिंग करते हैं उसी का एक ही क्वेश्चन बनता है जो आपने इस बार के जो अगर पेपर देखा होगा तो उसमें भी वही क्वेश्चन बनता है लेकिन अब सेलेबस में लिखा है और इसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है सबसे मेन चीज़ तो ये रहती है कि भाई सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो सफिशेंट है क्या तो वो सारे डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे तो मैं जो भी कॉलेज के बुक्स वगैरह वो सारी जो है उनको रेफर करके उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन जो है उसमें बन नहीं सकता है अकाउंटिंग फॉर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एम ये जो है ये सारा का सारा आपका ये देखो काफी सारा पोर्शन बनता है इससे नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो ये यहां से देखिएगा ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद से ट्रांसफर प्राइजिंग सॉरी भाई अभी जो है वो सीख रहे हैं इस पर तो ये यहां से ट्रांसफर प्राइजिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन मैकेनिक अकाउंटिंग एंड ईडीपी प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन कॉस्ट कंट्रोल वगैरह के अंदर और प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम ये सारे जो इतने टॉपिक बात किए ना और आगे जो मैं बात कर रहा हूँ इन सारों के टोटल जो है वो दस पेज मैक्सिमम जो इनके नोट्स बनेंगे इसके बाद अगर आगे चले तो ये यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड फिर उसके बाद में ये मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस आर ओ ई वगैरह जो है ये वैल्यू एडेड अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इसमें चार सॉरी तो कुछ मेथड है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वैसे तो नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक साथ में ही बात किए जाते हैं भाई कुछ कॉस्ट सेंटर बनाए जाते हैं पर अलग से चैप्टर लिखा है उसके बाद में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर उसका एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है उसके अंदर लेकिन इन्होंने अलग से लिख रखा है लीज अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये तो चलो छोड़ो ये तो तो भी ढंग के टॉपिक है तो ये इतना सारा पोर्सन जो आपका कवर कर देंगे और ये दस से पंद्रह कवर कर देंगे तो इतने में आपका हो जाएगा आ, कोर्स लॉन्च करेंगे क्लियर है और तो ये तो क्लासेज वापस कल से कंटिन्यू कर देंगे उसके अलावा अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साथ साथ आप एक चीज कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो सेकंड चैनल है जो कि वन एग्जाम एंटी नेट के नाम से उसके ऊपर क्लासेज चल रही है जिसमें स्टेट्स की क्लास चल रही है जिसमें काफी कुछ जो हो चुका है प्ले के अंदर आप जाओगे तो आपको प्ले वाइज जो आपको मिल जाएगा तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कितना पोर्सन आपका यहाँ पर हो जाएगा साथ में क्योंकि नेट के लिए पढ़ाओ या कहीं पर भी पढ़ाओ आपको अल्टीमेटली चीज़ें वो की वो ही पढ़नी है ये देखो इसके अंदर जो है आपका इंट्रोडक्शन ये एक सेकेंड है ना इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन स्कीवनेस मोमेंट तो छोड़ो नहीं है कोटोसिस uh, उसके बाद में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन उसके बाद में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वगैरह स्टेस्टिकल और सैम्पलिंग ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस वगैरह रिसर्च जो है वो अभी शुरू होने वाली है जस्ट सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरर मेथड उसके बाद में आपका जो है टिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कल आने वाली क्लास तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप वहां से उसको देख सकते हैं तो ये इतना पोर्शन जो आपका कवर हो रहा है स्टेट्स का तो आप इतना जो है वो लगभग तैतीस चौतीस क्लासेज के अंदर ये कवर हो रखा है तो आप वो देख सकते हैं पूरी की पूरी यूट्यूब पर अवेलेबल है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कल से अपनी क्लासेज अपन कंटिन्यू कर लेंगे क्लियर तो अभी यहाँ तक की बात करते हैं और कल से वापस अपनी क्लासेज जो शुरू हो जाएगी और अपने जो भी साथी हैं उन सब के साथ जो है वो आप शेयर कीजिएगा इसको बहुत बहुत धन्यवाद हंसते रहें मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें नया जो है वो पैनल आ चुका है काफ़ी मजा आ रहा है तो इस वजह से क्लासेज जब शायद ज़्यादा ही होगी लिखने करने में बहुत बहुत धन्यवाद हंसते रहे मुस्कुराते रहे एक्चुअली इसमें क्या लाइटिंग सेटअप के अंदर थोड़ा टाइम लग गया था बाकी तो ये क्लासेज तो दो दिन पहले से ही शुरू कर देते बहुत बहुत धन्यवाद हंसते रहे मुस्कुराते रहे